अलीना, तो अब हम करेंगे अपना टेक द करेक्ट। तो अलीना रीड द क्वेश्चन एंड गिव मी आंसर। One day, Ankit and his father were walking along. Riverside, ma'am. Riverside, very good. Second, the man sitting on the river bank was a devotee. very good. Third, has created everything. गुड, ओके। डी वाला बताओ, ये वाला, वी मस्ट एडमिट आवर फॉल्ट्स एंड आस्क गॉड फॉर ए, We must admit our fault and ask God for us anything your wish. हमारा आंसर होना चाहिए अपोलोजाइज। जब भी हम कोई गलती करते हैं, वी मस्ट एडमिट आवर फॉल्ट्स एंड आस्क फॉर ए गॉड। जब भी हम गॉड को अपनी गलतियां बताते हैं तो, और गॉड हमें माफ करे, मतलब हम उनसे माफी मांगते हैं। ओके मैम, अपोलोजी यानी माफी मांगना, ठीक है। अपोलोजी ओके मैम, यहाँ पर थर्ड पे है, ठीक है, थर्ड पे। ओके, अब ओके मैम, हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड सिलेक्टिंग फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमें वर्ड दे रखे हैं, ये हमें सिलेक्ट करना है। तो वी प्रेयर टू, यहाँ क्या आएगा लीना? गॉड वेरी गुड। गॉड हैज क्रिएटेड द ब्यूटिफुल एनिमल फ्लावर, और एनिमल में से क्या आएगा? पर्सन ओके, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 4 ऑप्शंस है। फ्लावर, मैम एनिमल, चलिए ट्री। मैम, गॉड है, यस, फ्लावर गॉड हैज क्रिएटेड द ब्यूटीफुल फ्लावर एंड पर्सन, ठीक है। ओके ओके, वी मस्ट प्रॉमिस नॉट टू, यहाँ पे क्या आएगा लीना? मैम, टू क्या? व्हाट वी हैव डन रॉन्ग, वी मस्ट प्रॉमिस नॉट टू रिपीट 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 व्हाट वी हैव डन रॉन्ग, मतलब हम प्रॉमिस करेंगे कि दोबारा से वो गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, ओके मैम, गॉड आल्सो नो अबाउट आवर, यहाँ पे क्या आएगा? विशेष नीड्स। गॉड आल्सो नो, मतलब गॉड को पता है हमारे जरूरतों के बारे में। ओके, नीचे हमारा ट्रू फॉल्स, मतलब यहाँ पे राइट और रॉन्ग का टिक लगाना है। तो अलीना आप क्वेश्चन रीड करो और उसके बाद टिक लगाओ ट्रू और फॉल्स का। अंकित एंड हिज फादर वेर वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल। मैम रॉन्ग, बेटा आपके वहां पेंसिल का ऑप्शन दे रखा है, उससे आप टिक लगाओ। ओके, रॉन्ग है ओके मैम, तो एफ लिखो, अगर ट्रू है तो टी लिखो, या फिर ऐसे कट का भी निशान आप लगा सकती हो, ठीक है। गॉड हैज क्रिएट ओनली रिवर्स रिवर स्टार्ट एंड फ्लावर्स। नो मैम, और गॉड नोज अबाउट योर नीड जस्ट द वे योर मदर मैम सॉरी अबाउट द हो गया मैम, नहीं होया, बी वाला तो आपने किया ही नहीं, ऊपर वाला आपने किया कि अंकित एंड हिज फादर वर वॉकिंग अलोंग द बैक ऑफ द कैनल, ये आपने गलत किया, बिल्कुल सही है। तो ए डिवोटी इज ए पर्सन हु वर्शिप गॉड, तो डिवोटी वो इंसान है जो मंदिर में जाके ऊपर वाले की पूजा करता है, तो यहाँ सही का निशान लगाना चाहिए था। एंड गॉड हैज क्रिएटेड ओनली रिवर स्टेयर्स एंड फ्लावर्स, या ये तो रॉन्ग रॉन्ग ही है।
एंड गॉड नो अबाउट योर नीड्स जस्ट द वे ऑफ योर जस्ट द वे योर मदर नो अबाउट देम। राइट, तो यहाँ पर आपने एक को मिस कर दिया था, बाकी आपके सही हैं। ओके गुड। और नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन आंसर, डू यू प्रे? अलीना क्या आप प्रेयर करती हो? आंसर दो ये दोनों में। यस गुड। हैव यू यस सीन एनीवन इन योर फैमिली प्रेइंग, मतलब आपने अपनी फैमिली में किसी को प्रेयर करते हुए देखा है? मैम। डू यू हैव अ सेपरेट प्लेस फॉर प्रेइंग इन योर हाउस? क्या आपके फैमिली में, आपके घर में कोई सेपरेट जगह है प्रेयर करने की? नेम ए फ्यू, मतलब ये छोड़ दो। हाउ डू यू फील आफ्टर योर प्रेइंग? आप प्रेयर करने के बाद कैसा फील करती हो? मैम अच्छा या वेरी गुड। सो अब ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है लीना, अब हम कल मिलेंगे। ओके बाय बाय। ना होमवर्क में आपको सिर्फ आपने तो सारे क्वेश्चन आंसर यहीं सॉल्व कर दिए, यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं था, तो क्वेश्चन आंसर आज करने वाला नहीं है आपके लिए। ठीक ओके मैम, है ओके बाय बाय। बाय मैम। Thank you.